इन दिनों साउथ इंडस्ट्री की अगर कोई जोड़ी सुर्खियों में बनी हुई है तो वो है राम पुथिनैनी और अनुपमा परमेश्वरम की जोड़ी। तो इन दिनों एक दूसरे के साथ लव रिलेशन में हैं और अपनी रोमांटिक तस्वीरों के साथ लाइमलाइट बटोर रही हैं। यूं तो ये दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ लव रिलेशन में हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन दोनों की प्रेम कहानी कब, कहां और किस तरह शुरू हुई थी? इस तरीके से दोनों मिले, प्यार हुआ और प्यार इतना कैसे बढ़ा कि दोनों ने हमेशा साथ जीने मरने की कसम खा ली। इन्हीं सब सवालों का जवाब देते हुए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अनुपमा और राम की लव स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस प्यारी सी जोड़ी की प्यार भरी प्रेम कहानी के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही इस प्यारी सी जोड़ी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले राम पुथिनैनी और अनुपमा परमेश्वरम की पहली मुलाकात साल 2018 में हुई थी, जब दोनों को पहली बार एक फिल्म में कास्ट करने के लिए चुना गया था और वो फिल्म थी साल 2018 में आई फिल्म हेलो गुरु प्रेमा कोसामी। इस फिल्म में दोनों ने पहली बार एक दूसरे के ऑपोजिट काम किया था। दोनों ने फिल्म में संजू और अनु के रूप में एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका का किरदार निभाया था, जो पहले मिलते हैं फिर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जिस तरह से फिल्म में इनके किरदारों की प्रेम कहानी शुरू हुई थी और आगे बढ़ रही थी, वैसे ही रियल में भी होता जा रहा था। दोनों की अतरंगी सी पहली मुलाकात, फिर दोनों दोस्त बने और आगे चलकर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों वाकई में एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। इस बारे में दोनों को नहीं पता चला था, पर जल्द ही राम को प्यार का एहसास हुआ। जब एक दिन शूट पर किसी वजह से अनुपमा नहीं आई थी, उस दिन उनके बगैर राम का दिल ही नहीं लग रहा था। वो काफी बेचैन होने लगे थे और जब ये बात उन्होंने अपने दोस्त को बताई तो उन्होंने कहा कि उन्हें अनुपमा से प्यार हो गया है। तब राम ने खुद से सवाल किया कि क्या वाकई उन्हें अनुपमा से प्यार हो गया है, तो उनके दिल से आवाज आई कि हाँ, उन्हें अनुपमा से प्यार हो गया है, जिसके बाद ये तुरंत अनुपमा के घर गए और उन्हें अपना हाले दिल बताकर प्रपोज कर दिया। पहले तो अनुपमा राम के अचानक प्रपोजल से काफी हैरान हुई, पर उन्हें ये तो तसल्ली हो गई थी कि राम ने उन्हें प्रपोज तो किया, जिसके बाद उन्होंने राम की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर उन्हें भी अपने दिल का हाल बता दिया और कहा कि वो भी राम से प्यार करती हैं। इस तरह से दोनों के प्यार की शुरुआत हुई और दोनों एक दूसरे के साथ लव रिलेशन में आ गए। इसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ घूमते फिरते रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपना समय बिताते रहते थे। एक दूसरे के साथ बिताए हुए उस समय में दोनों ने एक दूसरे को काफी अच्छे से जाना, जिससे कि दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। इस तरह से एक दूसरे को समझते जानते हुए आज दोनों ने साथ में करीब 2 साल पूरे कर लिए हैं। इन बीते सालों में दोनों के बीच का प्यार इतना गहरा हो गया है कि दोनों अब साथ में जीने मरने की कसमें खाते हैं। वो अलग बात है कि इन दोनों ने अभी तक अपने इस रिश्ते को पब्लिक नहीं किया है, क्योंकि दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना चाहते हैं। पर दोनों कितना ही क्यों ना अपने रिलेशन को छिपा लें और प्राइवेट रख लें, पर दोनों के बीच का प्यार सब बयां कर ही देता है। तो दोस्तों, क्या आप भी अनुपमा और राम पुथिनैनी को हमेशा एक साथ होते हुए देखना चाहते हैं या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।